प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है हिंदी के प्राचीन काव्य रूप। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये समझ सकेंगे कि प्राचीन हिंदी कवियों ने प्रचलित परंपरा से भिन्न किन किन काव्य रूपों की स्थापना की थी, उनका परिचय यहाँ प्राप्य है। प्राचीन हिंदी कवियों ने जहाँ परंपरा से संस्कृत काव्य रूपों का प्रयोग किया है, वहीं कुछ अपने नए काव्य रूप भी बनाए हैं। हिंदी के कवि संस्कृत शास्त्र के अनुयायी रहे हैं, किंतु साथ ही अपने लोक से भी गहरे स्तर पर जुड़े रहे, इसीलिए वे लोक और शास्त्र दोनों का समन्वय करते हुए चले। यही कारण है कि कई दर्जन नए काव्य रूप हमें हिंदी काव्य जगत में प्राप्त होते हैं। इनमें अधिकतर आज कई लुप्त हो गए हैं, इसलिए इन्हें संजोने, इन्हें समझने और समझाने की बड़ी आवश्यकता है। ये काव्य रूप हिंदी जगत की अपनी महत्वपूर्ण साहित्यिक निधि है। प्राचीन काल में हिंदी कविता में शताधिक काव्य रूपों का विकास हुआ है। इनमें कुछ प्रसिद्ध काव्य रूप अभी भी प्राप्त हैं, शेष समाप्त हो गए। हिंदी के निजी काव्य रूप हमारी बहुमूल्य विरासत है। प्रमुख काव्य रूप हैं जैसे बेली काव्य, इसका अर्थ है कथा मूल का पल्लवन। इसमें प्रायः प्रणय और परिणय की कथा लिखी जाती है। राजस्थानी में लगभग 50 बेली काव्य मिलते हैं। राठौर पृथ्वीराज से कही बेल किशन रुक्मिणी री, इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इसी से प्रेरित होकर राजस्थानी में कई ब्याहलों काव्य भी रचे गए। दूसरा है मंगल काव्य, ये विधा विवाहोत्सव से संबंधित रही है। राजस्थानी में इसे धवल भी कहा गया है। इस विधा से संबंधित लगभग 1.5 दर्जन कृतियाँ हिंदी में उल्लेखनीय हैं। इनमें तुलसीदास रचित जानकी मंगल, पार्वती मंगल और कवि केशव की रुक्मिणी मंगल तथा अन्य कवियों के कई मंगल काव्य स्मरणीय हैं। तीसरा है चरित काव्य, भारतीय भाषाओं में पौराणिक और ऐतिहासिक लोकनायकों को अनेक काव्यों का विषय बनाया गया है। इनमें सर्वाधिक चर्चित रही है सुदामा काव्य परंपरा। हिंदी में नरोत्तम दास के सुदामा चरित के अतिरिक्त लगभग 60 और कृतियां चिन्हित की गई हैं। गुजराती में हरिनाथ, देवराम और मैथिली के कई कवियों ने विद्यापति की कीर्तिलता की तर्ज पर कई पौराणिक पात्रों के चरित्राख्यान लिखे। एक काव्य रूप है स्तोत्र काव्य, संस्कृत में रचित धार्मिक साहित्य से प्रेरित होकर यहाँ अनेक स्तोत्र काव्य रचे गए। इनमें पुराख्यान, पंचदेव उपासना, नवधा भक्ति और षोडशोपचार से जुड़े पद, भजन, कीर्तन तथा श्लोक बहुत रचे गए। उड़िया में, बंगला में, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि में भी इनकी काफ़ी प्रचुरता है। दक्षिणी भाषाओं में ये स्तोत्र प्रायः काखागा और काका की के अकारादि क्रम में रचे गए। हिंदी में इसे 12 खड़ी कहा गया है। एक विशिष्ट काव्य विधा है शालिहोत्र काव्य। ये मूलतः पशु, हाथी और घोड़े का चिकित्सा शास्त्र है। अनेक भारतीय भाषाओं में कवि और कविराज, राजकवि और कविराज एक रूप ही रहे। राजाश्रित कवियों के लिए यह विधा बड़ी उपयोगी रही है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम आदि में इस प्रकार के बहुत से काव्य प्राप्त होते हैं। ऐसे ही एक काव्य विधा है अष्टयाम। इन कृतियों के अंतर्गत मंदिरों में श्री विग्रह की पूजा अर्चना और सेवा भावना का 3-3 घंटों यानी यामों के अनुसार विवरण दिया गया है। इसे सांझ, प्रभाती, मंगला आदि नाम भी दिए गए। राजदरबारों में राजाओं की दिनचर्या भी अष्टयाम काव्यों का विषय रही है। हिंदी में श्रेष्ठ अष्टयाम 50 के आसपास है। आखेट काव्य भी महत्वपूर्ण है। राजाश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाता के और चरितनायक के शौर्य का, श्रृंगार का वर्णन करते हुए उनकी प्रमुख शिकार कथाओं को लेकर महत्वपूर्ण आखेट काव्य लिखे। ये कृतियाँ सामाजिक इतिहास के विश्लेषण हेतु प्रयोजनीय है। असमिया के बुरंजीकालीन राजा रूप सिंह के कई राजाश्रित कवियों, राजस्थानी गुजराती के चारण कवियों
और पंजाबी, मराठी, बंगला, उड़िया के मध्ययुगीन दरबारी कवियों ने स्फुट रूप से अनेक आख्यायित काव्यों की रचना की। महत्वपूर्ण है प्रशस्त काव्य परंपरा। आश्रयदाताओं की जय जयकार करते हुए भारतीय साहित्य में राजवंशों का जो काव्यबद्ध इतिहास लिखा गया है वो आकर ग्रंथों के रूप में बड़ा उपयोगी है। राजस्थानी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना करके इसका एक आदर्श प्रस्तुत किया है। गुजराती के कवि दलपति राय, पंजाबी के भाई वीर सिंह आदि के काव्य भी इस संदर्भ में अवलोकनीय है। इनमें हिंदी के शिवराज बामनी, छत्रसाल दशक, गुरु प्रताप सूरज, गुरु शोभा आदि काव्य सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। संदेश काव्य की परंपरा भी बहुत पुरानी है। कालिदास के मेघदूत से प्रेरित होकर हिंदी कवियों ने मेघ द्वारा, पवन द्वारा, सरिता, भ्रमर द्वारा, काग द्वारा, कपोत और हंस आदि को दूत बनाकर उच्च स्तरीय काव्य रचे। हिंदी में अद्दहमाणकृत संदेश राशक से हरियोध के प्रीप्रवास में पवन दूत और मैथिलीषण गुप्त के नदी दूत वाले गीतों तक में शोकोच्छ्वास की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। यह संदेश काव्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण रूप है विलाप काव्य। श्रृंगार के विरह विप्रारंभ पक्ष को लेकर मुख्यतः उसे करुण रस में ढालकर विशेषतः यशोदा, कौशल्या, शैव्या आदि पात्रों से संबंधित अनेक विलाप काव्य रचे गए। इनकी पृष्ठभूमि में अंग्रेजी की ओड और एलिजी की प्रेरणा रही है। हिंदी में इसी का प्रकार अंतर है शोक गीत, जैसे निरालाकृत सरोज स्मृति। वस्तुतः भारतीय भाषाओं में शोक गीतों और विलाप काव्यों का बाहुल्य दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण काव्य रूप है संवाद काव्य। विवादास्पद विषयों की यह तर्कपूर्ण नाटकीय पद्धति मध्ययुग में काफ़ी लोकप्रिय रही है। इसी का परिविस्तार काव्य नाटक रूप में हुआ है। शास्त्रार्थ रूप में यह परंपरा प्रबोध चंद्रोदय से दिखाई देती है। लोकवांग में जैसे अवधि के तुर्रा कलगी नामक गीत में यह कला कविता दंगल का रूप धारण कर लेती। मिर्जापुर का कजरी का दंगल, कनपुरिया लावनी और बुंदेली फाग में भी प्रवृत्ति दिखाई देती। भ्रमर गीत भी इसी का एक विकसित रूप है जो संदेश काव्य या उपालम्ब काव्य कहलाता है। गणनामूलक काव्य भी हमारे यहाँ बहुत रचे गए। इनमें मुक्तक काव्यों में संख्याश्रित मुक्तक काव्य बहुत अधिक लिखे गए। इनमें कुछ अकारादिक्रम से लिखे गए, जैसे जायसी का अखरावट या ककहरा बारह खड़ी, और कुछ निश्चित छंद संख्या को लेकर लिखे गए, जैसे पंचक, अष्टक, दशक, द्वादशी, बीसी, इक्कीसी, बाईसी, चौबीसी, पच्चीसी, छत्तीसी, चालीसा, पचासा, बावनी, बहत्तरी, शतक, सतसई, हजारा आदि। संस्कृत हिंदी के अतिरिक्त मलयालम के मत पंचकम जैसे ग्रंथों में भी ये प्रवृत्ति विद्यमान है। हिंदी में इनकी संख्या 300 के लगभग है। एक महत्वपूर्ण काव्य रूप है नीति काव्य। संस्कृत के महाकवि भर्तृहरि, आचार्य विदुर, आचार्य चाणक्य और हितोपदेश जैसे ग्रंथों से प्रभावित होकर लोक नीति रीति से युक्त इन काव्यों की भरमार हिंदी साहित्य में दिखाई देती। हिंदी कवियों में रहीम, बिहारी, वृंद, बाबा दीनदयाल गिरी, गिरधर कविराय, बैताल, घाघ भंडारी आदि को रखा जा सकता है। इसे प्रबोध काव्य के रूप में भी कन्नड़ के कवि बेंद्रे, उड़िया के कालिंदी चरण पाणिग्रही और पणिकर आदि में भी खोजा जा सकता है। हिंदी में इन्हें सभा विलास काव्य कहा गया था। सूक्ति, सुभाषित, दृष्टांत आदि नाम दिए गए। जायसी ने तो मसला नामा नाम का एक पूरा काव्य ही लिख डाला। इसी प्रकार रीति काव्य की बड़ी लंबी परंपरा हिंदी में रही है। रीति ग्रंथ संस्कृत के आचार्य कवियों से प्रेरित होकर भारतीय साहित्य में लक्षण काव्य बहुत रचे गए। इन कवियों ने रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य जैसे संप्रदायों और काव्य गुणों, काव्य हेतुओं, प्रयोजनों, काव्य रूपों की बड़ी विवेचना की। भरत के रस सूत्र से लेकर पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर तक इस काव्यांग चिंतन में समय समय पर जो विचार विमर्श हुआ है
उसे भारतीय काव्य शास्त्र की बहुमूल्य निधि कहा जा सकता है। पिंगल शास्त्र पर भी इन कवियों ने गहन मनन किया है, साथ ही नायक नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन, बारह मासा आदि पर भी। देव ने घोषणा की थी कि बानी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी, अर्थात रसों में श्रृंगार रस के सहारे राधा कृष्ण का नैक्षिक वर्णन करना और नायक नायिका भेद का विवेचन करना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। हिंदी के ऐसी काव्य कृतियाँ लगभग 400 के आसपास है। उड़िया के कवि दीन कृष्ण के रस विनोद और रस कल्लोल में और उपेंद्र भंज के लावण्य निधि में रीत काव्य विशेषता नायिका भेद के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए गए। एक महत्वपूर्ण काव्य विधा है, काव्य रूप है नक्षिक काव्य। नायिका भेद के अंतर्गत नक्षिक या शिखनक की परंपरा यहाँ बहुत लोकप्रिय रही। इन कृतियों में एक एक अंग का चित्रण हुआ है, जैसे मुबारक कृत अलक शतक केवल अलक बन केशों पर स्वच्छंद लिखे हुए, तिलक शतक तिल के ऊपर गाल में जो तिल होता है उस पर स्वच्छंद, इन काव्यों में वर्णन हुआ है। ये परंपरा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और फारसी से भी प्रेरित रही है। इन काव्यों का प्रचलन हिंदू, तेलुगु, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, बंगाली आदि में बहुत रहा। सौंदर्य बोध, कला चेतना, विलास वृत्ति, पर्दा प्रथा और पांडित्य प्रदर्शन हेतु इस प्रवृत्ति को बहुत प्रश्रय दिया गया है। एक महत्वपूर्ण विधा है चंपू काव्य। इन्हें कथावाचकी शैली का गद्य पद्यात्मक प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। दक्षिणी भाषाओं में इनकी संख्या 300 के आसपास बताई जाती है। हिंदी में मैथिलीषण गुप्त रचित यशोधरा को चंपू काव्य माला की अंतिम कड़ी कहा जा सकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण काव्य विधा है चित्र काव्य। इन काव्यों में चित्र शैली यथा धनुषबंध, कमलबंध, पर्वतबंध, सर्वतोन्मुखी चक्रबंध, अष्टदल कमलबंध, महापद्मबंध आदि के कई प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। सर्वतोन्मुख चक्र के 48 शब्दों से 48 छंद बन जाते हैं, जो निसंदेह एक चमत्कार है। हिंदी में ऋषिकेश चतुर्वेदी तक ये परंपरा चली है। तेलुगु, तमिल और ओड़िया में चित्रकाव्यों की अत्यंत समर्थ परंपरा दिखाई देती है। इस प्रविधि का परिविस्तार परवर्ती कॉन्क्रीट पोइट्री और चित्रकाव्य के रूप में हुआ। ऐसे ही महत्वपूर्ण काव्य रूप है भावगीत। यह शिल्प मलयालम के नौका गीत, तेलुगु की भाव कविता, रविंद्र के रहस्यवादी काव्य और हिंदी के छायावादी काव्य, गुजराती के सुंदरम उमाशंकर जोशी, मराठी के मरढ़ेकर, तमिल के सुब्बा राव, मलयालम के चंगन पुष्पा, कुमारन आसान, मलयालम के वल्लतोल और कुरूप आदि के स्वच्छंदतावादी काव्यों में भी दृष्टव्य है। ऐसे ही महत्वपूर्ण काव्य रूप है वीर काव्य। इसे वीर गाथा या युद्ध काव्य भी कहा जा सकता है। हिंदी लोकवांग में जैसे अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि में ये विधा भरी पड़ी। राजस्थानी, पंजाबी आदि में ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित तथा वीर पूजा भावना से उत्प्रोत जंगनामे और पवाणे बहुत लिखे गए। ऐसी ही महत्वपूर्ण विधा है हास्य व्यंग्य या विनोद काव्य। इसे हिंदी में भड़ुआ नाम दिया गया है, मराठी में बारकरी कवियों द्वारा रचित बालचरित कहा गया है, भारतीदासन तमिल के कवि, कुसुमाग्रज मराठी के कवि, शेषेंद्र तेलुगु के कवि आदि ने इस शिल्प का पर्याप्त प्रयोग किया है। ये कृतियाँ अब मूलतः मनोरंजन होकर व्यंग्य विद्रोह में परिणत होती देख रही। महत्वपूर्ण विधा है संग्रह काव्य। हिंदी कवियों ने विषयानुसार कई हजारे अर्थात संकलन बनाए, जैसे शतऋतु हजारा, सूक्ति हजारा, विनयपद संग्रह आदि। ये साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत रहे, जैसे विद्वन्मोत तरंगिणी, कालिदास हजारा, राग रत्नाकर, सतकवीरा विलास, दिग्विजय भूषण, सुंदरी तिलक आदि। सूरदास के सूरसागर को सूर सारावली के नाम पर जो प्रस्तुत किया गया है वो भी एक संग्रह ग्रंथ है। ऐसे ही मुक्तक काव्य की परंपरा, अंग्रेजी के प्रभाव विशेषतः ब्राउनिंग आदि से प्रेरित होकर बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ और माइकल मधुसूदन दत्त से उनके ब्लैंक वर्स की शैली जो अपनाई, उससे प्रेरित होकर हिंदी में बहुत सारी रचनाएं आईं। सर्वप्रथम निराला जी ने इस मुक्त छंद को अपनाया और उसे अमित छंद नाम दिया। इधर गद्यात्मक कविता का रूप धारण करके
एक छंद सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया है, किंतु मुक्त छंद, वास्तविक मुक्त छंद आज दुर्लभ है। एक काव्य प्रवृत्ति है, काव्य रूप है, बारह मासा, ऋतुगीत, षड ऋतु वर्णन, और प्रायः विरह काव्यों में हिंदी के कई कवियों ने बारह मासे लिखे हैं। विरह में बारह मासा और संयोग की स्थिति में षड ऋतु, सूफी काव्य बारह मासाओं से भरा पड़ा है। हिंदी कवियों में विरह वर्णन में बारह मासे का और मिलन प्रसंग में षड ऋतु का बहुत वर्णन किया गया है। ऐसी ही एक काव्य विधा रही है आशुकाव्य परंपरा, तत्काल काव्य रचना, जन कविता, मूलतः श्रुति काव्य के रूप में प्रकट होती है। यह स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो मानी जाती है। सिद्ध कवि अपनी अनुभूतियों को समानांतर अभिव्यक्ति देता रहता है, परिमार्जन बाद में होता है। दृष्टिबाधित महाकवि सूरदास और कागज कलम से अछूते कविवर कबीर आदि ने मूलतः आशु रचनाएं की थी, जिन्हें कालांतर में लिपिबद्ध किया गया। आधुनिक युग में भारतेंद्र जी को यह सिद्धि प्राप्त थी। कविवर द्विज बलदेव उद्भट आशुकवि थे, उनकी घोषणा थी कि दीजिए समस्या तापे तुरंत बनाऊं छंद, और कलम रुके तो कर कलम कराइए। इसी तरह काश जिह्वा स्वामी, अखिलेश त्रिवेदी, बच्चू सूर, आशुकवि मोहन, देवेंद्र शास्त्री जैसे एक से एक उद्भट आशुकवि हिंदी में हुए, जो विचित्र एवं जटिल समस्याओं को उनकी तत्काल पूर्ति करके श्रोताओं को भाव विभोर कर देते थे और कविता में घंटों घंटों वक्तव्य देते रहते थे। कवि सम्मेलनों, आल्हा गायकी, मुशायरा, कव्वाली आदि में इसके अवशेष अभी यत्र तत्र दिखाई दे जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ पारंपरिक काव्य रूप जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, लंबी कविता, एकार्थक काव्य या प्रबंधात्मक मुक्तक हिंदी में प्रचलित होते रहे। हिंदी कवियों ने विज्ञान परक लेखन भी बहुत किया है, ज्योतिष से संबंधित, कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित, पक्षियों से संबंधित और विभिन्न जीव जंतुओं या दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित। उन्होंने बहुत प्रयत्न करके सारणीकरण किया है, बहुत कृतियों के काव्यानुवाद किए हैं, बहुत सारे चित्र काव्य बनाए हैं, काव्य नाटक लिखे हैं जो अभी तक प्रचलित हैं और दिनों दिन विकसित होते चले जा रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि हिंदी कवियों के ये काव्य रूप सौंदर्य शास्त्र से संबंधित हैं, उनकी सहृदयता और समाज की संवेदना से संबंधित हैं, इन भाषाओं की प्रकृति और उनकी संस्कृति से संबंधित हैं। भारतीय साहित्य के इन काव्य रूपों का कल्चरल हेरिटेज के रूप में एक पुरातात्विक महत्व है। इनके सहारे एक समेकित साहित्य शास्त्र की रूप रचना की जा सकती। आवश्यकता यह है कि इन काव्य रूपों का तुलनात्मक काव्यशास्त्रीय विवेचन किया जाए और इन्हें सुरक्षित, संरक्षित करके सुनियोजित करने का प्रयास किया जाए। यह हिंदी के उत्तरोत्तर विकास की एक महत्वपूर्ण चेष्टा होगी।